वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट टू कोलोइड्स चल रहा था। पार्ट वन एब्जॉर्प्शन हो गया है और कोलोइड्स में हमने प्रिपरेशन क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड, देन प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड कर लिया। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स आर गोइंग, प्रॉपर्टीज में भी हमने एक मेन प्रॉपर्टी जो चार्ज है वो कर ली। अब चार्ज के अलावा क्या प्रॉपर्टीज, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें जो सबसे पहले एनसीईआरटी ने दे रखा है, कोलोइड की प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन के मुकाबले थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि कोलोइड में पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, थोड़ा सा एग्रीगेशन मान लीजिए, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल कम होता है, इसलिए ट्रू सॉल्यूशन से इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी कम है। अब कोलोइड्स में मेन प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक थी, उसमें क्या था कि कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज आ जाता है, वेरियस रीजंस हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की वजह से हो सकता है, और इससे एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर कोलाइड पार्टिकल के सरफेस पर बनती है। पहली लेयर फिक्स और दूसरी लेयर मोबाइल, दो अपोजिट लेयर की वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है, दिस इज नोन एज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। और अगर जुटर आयन है और उसकी एक स्पेशल पीएच होगी, जब ये जुटर आयन ना तो कैथोड पे जाएगा ना ही एनोड पे जाएगा, न्यूट्रल होगा, लीस्ट स्टेबल पे आएगा, दिस पीएच इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अगर चार्ज है वो स्टेबिलिटी देता है तो ऑब्वियसली चार्ज की वजह से कोगुलेशन भी हो सकता है, अगर अपोजिट चार्ज ऐड कर देंगे तो ये कोगुलेट हो जाएंगे। आई होप सो आपको याद आया होगा हार्डी शूट रूल कि अपोजिट चार्ज ऐड करने से मोर द वैलेंसी ऑफ अपोजिट चार्ज मोर विल बी द कोगुलेशन पावर एंड लेस द कोगुलेशन वैल्यू, और कोगुलेशन वैल्यू की डेफिनेशन थी मिली मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कोगुलेट 1 लीटर ऑफ सॉल्ट। अब एक था प्रोटेक्टिव कोलोइड्स, सो प्रोटेक्टिव कोलोइड की डेफिनेशन थी बेसिकली लायोफिलिक कोलोइड्स व्हिच प्रोटेक्ट्स लायोफोबिक कोलोइड, ठीक है, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और प्रोटेक्टिव पावर को कंपेयर करने के लिए एक हेडिंग बनाइए, दैट इज गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या था कि हमने 10 ml गोल्ड का सॉल्व बनाया और 10 ml के गोल्ड के सॉल्व को 1 ml 10% NaCl से प्रेसिपिटेट करा रहे हैं। अब हमें जितने भी लायोफिलिक कोलोइड के मिलीग्राम्स चाहिए इस प्रेसिपिटेशन को बचाने के लिए, उसे गोल्ड, जितना गोल्ड नंबर कम होता है उतनी प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा होती है, और जितना गोल्ड नंबर ज्यादा होगा प्रोटेक्टिव पावर फॉलोड बाई, बच्चों अगर याद आ गया ये तो हो गया चार्ज की वजह से, और इसके एप्लीकेशन मैंने बताए थे आपको, जैसे कहीं ब्लीडिंग होती है तो हम यूजली फिटकरी या एलम्स लगाते हैं जिससे कि ब्लड एक कोलोइड सोल्यूशन है वो उसको प्रेसिपिटेट करते। सेकंड हमने एप्लीकेशन बताया था डेल्टा का फॉर्मेशन, तो रिवर वाटर में बेसिकली मड है, सैंड मड ये चीजें हैं, और सी वाटर में आयंस प्रेसिपिटेट करते हैं। हमने कहा था लॉन्ग चिमनीज का यूज करना चाहिए, क्योंकि चिमनी जो है वो फैक्ट्री आउटलेट या फैक्ट्री वेस्ट जो आ रहा है गैसियस स्पेशली उसको प्रेसिपिटेट कर सकती है, अगर उसमें अपोजिट पोटेंशियल दिया जाए तो ये भी एक चार्ज का एप्लीकेशन है। लॉन्ग चिमनीज बेसिकली इसलिए, एक तो डिस्टेंट फ्रॉम अर्थ, थोड़ा सा हम हमारी हाइट से हमारे से दूर पहुंचे डस्ट पार्टिकल, दूसरा अगर लॉन्ग चिमनी होगी तो आपको बार बार स्क्रैप या जो कार्बन डिपॉजिट हो रहा है वो तो बार बार हटाना नहीं पड़ेगा, जस्ट अपोजिट चार्ज। एक हमने कहा था प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑल्सो, और उसमें हमने कहा था जो हमें यूजली वाटर सप्लाई होता है उसमें कोलोइड्स हो सकते हैं, और उन्हें प्रेसिपिटेट करने के लिए आप इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन चार्ज। तो ये सारे कोलोइड की एप्लीकेशन या यूजेस थे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। नाउ कोलोइड के दो और एप्लीकेशन हमने पढ़ रहे हैं, वन इज टिंडल इफेक्ट एंड वन इज ग्राउंडिंग इफेक्ट, तो एक एक करके इन दोनों एप्लीकेशन को देख लेते हैं। दैट इज टिंडल इफेक्ट, किसे कहते हैं बच्चों? बच्चों टिंडल इफेक्ट का बेसिकली मतलब है ये ऑप्टिक्स या लाइट वाली प्रॉपर्टी, कोलोइड पार्टिकल के सरफेस पे जब आके लाइट टकराती है तो इसका जो साइज है उस हिसाब से वो लाइट स्कैटर हो जाती है, स्कैटरिंग होने, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इट इज बेसिकली टिंडल इफेक्ट। मतलब क्या है, उसे एक बड़ी सिंपल भाषा में अगर समझे कि एक ग्लास लिया है, इसमें ट्रू सॉल्यूशन है और हमने लाइट पास की, तो वो अगर लाइट किसी टॉर्च या पॉइंट सोर्स से आ रही है, लेट सपोज ये आ रही है, ये लाइट ऐसे ही आएगी, नथिंग मोर देन दैट, लेकिन
अगर यहाँ कोलोइडल सॉल्यूशन हुआ इस वाले ग्लास में सॉल्व रखा हुआ, तो हो सकता है यहाँ लाइट आने के बाद इस पे टकराने के बाद स्कैटर हो, और ये जितना भी पाथ है इट विल बी इल्यूमिनेट, ये चमकदार दिखेगा, चमकीला दिखेगा। तो पाथ जो कोलोइडल सॉल्यूशन का है वो इल्यूमिनेट होता है और वो स्कैटरिंग बढ़ती जाती है। इवन एक जनरल क्वेश्चन है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई हमें किसकी वजह से दिखता है, और आंसर टिक होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, ये कई बातों पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ द रे यूज, एंगल ऑफ कोलिजन, किस एंगल से टकरा के फिर स्कैटर होती है। तो इसमें साइज सबसे डोमिनेंट फैक्टर होता है, जिससे हमें पता लगता है कि कौन से कलर की स्कैटरिंग आएगी या होगी। ठीक है, तो बच्चों जस्ट अ सेकंड है, हेलो 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 हेलो, इट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो ये माना जाता है कि ये कोलाइडल पार्टिकल है, लाइट आएगी, लाइट यहां पे पहले एडजॉर्ब होगी, ठीक है, और एडजॉर्ब होने के बाद फिर स्कैटर होगी। तो ये वर्ड आपको इस पर ध्यान रखना है, फर्स्ट एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस देन स्कैटरिंग टेक्स प्लेस। और ये कहा जाता है स्कैटरिंग इज बेस्ट ऑब्जर्व, या ये कहें स्कैटरिंग सबसे अच्छी मिलती है एट परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट बीम। ये अगर हमारी इंसिडेंट बीम आ रही है और इसके परपेंडिकुलर हम स्कैटरिंग देख रहे हैं, देन इट इज बेस्ट ऑब्जर्व। ये जो हमारा एयर है और एयर के अंदर स्मोक या डस्ट पार्टिकल है, ये कोलोइड्स के रूप में है, ये वेरी यूजफुल है, क्योंकि इसी की वजह से हम जो प्रोजेक्टर से लाइट फेंकते हैं स्कैटर करती है, पूरी स्क्रीन पे प्रोजेक्शन मिलता है, या हेडलाइट्स जो हमारी गाड़ियों की है वो हेडलाइट्स जैसे लाइट निकलती है स्कैटर करके दिस वन। तो बहुत सारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के यूजेस हैं दिस वन ऑल्सो। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा रखा है, जस्ट अ सेकंड, बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज बेसिकली कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये तो प्यूरिफिकेशन आई होप सॉरी सेम स्लाइड से नहीं दिया है। यस ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड हमारी हेडिंग थी। ठीक है, व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आप लोग कॉलिगेटिव की डेफिनेशन जानते ही हो। ठीक है, और कॉलिगेटिव मतलब डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार थी, एक ऑस्मोटिक प्रेशर था, एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक यहाँ रिलेटिव वर्ड आना चाहिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि बेटा ये चारों की डेफिनेशन आपको आती है, इसलिए मैं इसे यहां से आगे कर रहा हूँ। फिलहाल आपको बस इसमें यही पढ़ना था कि ऑब्जर्व पार्टिकल साइज जो है ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा ज्यादा है, और क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल का साइज ज्यादा है तो हम मान लेंगे कुछ एग्रीगेशन हो गया, और एग्रीगेशन हो गया और इसलिए कोलोइडल प्रॉपर्टीज थोड़ी कम हो गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉरी थोड़ी कोलोइडल सॉल्यूशन में कम हो गई क्योंकि पार्टिकल्स कम हो गए। फिलहाल ये हमें आता था। ठीक है, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे आना चाह रहे हैं, वो है आपका ऑब्वियसली टिंडल इफेक्ट। तो ये क्या है, हैव यू गॉन थ्रू सिनेमा हॉल, तो पीछे जो लास्ट सीट पे अगर तुम्हें बैठे हो, अगर उन्होंने ये कभी नाटक किया हो तो अच्छा लगता है, अगर जहां से प्रोजेक्शन हो रहा है वहां अपना हाथ लगा दीजिए, खुद खड़े हो जाइए। तो यहाँ ये अपर्चर से जो लाइट आती है ये पूरे सिनेमा स्क्रीन को कवर कर रही होती है। ठीक है, तो ये स्कैटरिंग जो हो रही है, ये जो लाइट स्कैटर कर रही है, फैलते हुए जा रही है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये जो स्कैटरिंग है, कैमरा का प्रोजेक्शन जो है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन क्या आ गई कि लाइट का स्कैटर होना, हर डायरेक्शन में होना, एंड दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये रहा ट्रू सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको एक बार अभी दिखाया था, और ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और अगर इसमें आप लाइट फेंकेंगे तो बस लाइट पास हो जाएगी, नथिंग मोर देन दैट,
ये लाइट स्कैटर नहीं होगी, ये लाइट फैलेगी नहीं, ये पाथ उतना चमकीला नहीं होगा, ठीक है, परफेक्टली डार्क फ्रॉम और डायरेक्शन एट राइट एंगल एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट भी, ठीक है। तो ये जो लाइट इन्होंने ट्रू सॉल्यूशन पे लिखाई है, ठीक है, लाइट सोर्स अपीयर्स क्लियर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बी, डायरेक्शन ऑफ लाइट बी में जब आप देखेंगे तो एकदम क्लियर दिखेगा, और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो एकदम डार्क दिख रहा होगा समवॉट। दिस ये है कोलाइडल सॉल्यूशन, और लाइट सोर्स अपीयर्स ट्रांसलूसेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन, इन सेम डायरेक्शन जब आप देखेंगे तो ये ना तो ओपेक है और ना ही ट्रांसपेरेंट है, दैट इज ट्रांसलूसेंट है, लेकिन द मेन थिंग व्हेन व्यूड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन इट शो माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग ऑपेलेसेंस, ठीक है। फिलहाल इंडल इफेक्ट का जो बेसिक मतलब है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। तो ये लाइट को पहले एब्जॉर्ब करते हैं, अगर आपको येलो से देख रहा हो, सॉल्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी देन इमिट्स इन ऑल डायरेक्शन, पहले इनके सरफेस पे लाइट एब्जॉर्ब होगी या एब्जॉर्ब यहां लिखा है, वैसे एब्जॉर्ब ज्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो ये हर डायरेक्शन में उसके बाद स्कैटर हो जाएगी, ठीक है। भले ही ये बात सबसे पहले फैराडे ने पूछी थी और उसके बाद इसका डिटेल ये दाढ़ी वाले भाई साहब जो है जॉन टिंडल इन्होंने किया था, और इसे टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना गया, ठीक है। कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट भैया किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो आपको याद आना चाहिए कि द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, तो आप जो वेवलेंथ ऑफ लाइट दे रहे हैं अगर उससे बहुत छोटा साइज होगा, आपको याद है ना लैम्डा बाय 2 इज द मिनिमम जो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अगर उससे भी छोटा तो मतलब ही नहीं है लाइट एब्जॉर्ब हो जाए या एब्जॉर्ब हो और स्कैटर हो, और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अंतर होना चाहिए। अब मेरे हिसाब से आप तो पढ़ ही चुके हैं व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसे कहते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम टू इट्स वेलोसिटी इन ए स्पेसिफाइड मीडियम, तो वो चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। टिंडल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश कोलाइडल सॉल्यूशन फ्रॉम ट्रू सॉल्यूशन, और आपको याद होगा ये मैंने नाम पहले भी लिया है, इसको मैं सब्जी मंडी के आसपास का साइंटिस्ट कहता हूँ, दैट इज जेसमोंडी, और यूज टिंडल इफेक्ट टू सेट अप एपरेटस नोन एज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, और आपको अगर याद आ जाए यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने यूज किया था that is gold number, an intense beam of light is focused on colloidal solution then observed with a microscope at right angle, so ye Tyndall effect ki basically definition hi hai, individual colloidal particle appears as bright stars against dark background, ultra microscope did not provide any information about size or shape of colloidal particle, only helped to observe light scattering by them. So basically, Tyndall effect जितना मैंने आपको पढ़ाया था, खाली उसका एक recap था, ठीक है? Colligative property किस पे depend करती है? ये यहाँ का question नहीं है फिलहाल. Number of solute, number of solvent, both A and D या type of chemical species. चलिए मैं देख लेता हूँ कोई बच्चा इसमें अगर answer देना चाह रहा है. हाँ जी, हाँ बताइए बेटा, ये question है. Colligative property किस पे depend करती है? Number of solute पे, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पे, केमिकल पे या और किसी पे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक दो बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है मुझे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का रिलेशन होता है, खाली सॉल्यूट का नहीं होता बेटा, और एक बच्चे ने सी का आंसर दिया, पता नहीं क्यों इन्होंने डिपेंड पूछा बेटा, अगर नॉट डिपेंड होता तो सी होता बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, पता नहीं आपने सी क्यों कहा, ठीक है, हाँ डी आना चाहिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें ना ऑल लगवाया है जबकि ऑल गलत है, क्योंकि लोरिंग इज नॉट कोलिगेटिव, रिलेटिव लोरिंग बेटा कोलिगेटिव होती है, फिलहाल इसका आंसर फिलहाल तो ऑल ही है ऑब्वियसली, ठीक है, तो बाकी दोनों क्या बेटा, जब ए और सी हो तो ऑल कहना चाहिए, ठीक है, ऑल इज बेटर आंसर, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में एक दूसरी प्रॉपर्टी है, दैट इज कलर, कलर तो आपको मालूम है, फिर भी एक बारी यहाँ से भी देख लेते हैं बेटा, स्कैटरिंग की वजह से कलर आता है, कलर साइज पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो आप यूज करते हैं उस पे आता है,
हम कोलाइडर पार्टिकल में वाइट बीम डालेंगे, उसमें कुछ लाइट एब्जॉर्ब होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्टेड बीम की वजह से हमें कलर दिखता है। तो कलर ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द वेवलेंथ स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल। तो पार्टिकल कौन सी वेवलेंथ स्कैटर कर रहे हैं उसके ऊपर है, मतलब कुछ एब्सॉर्ब हो गई कुछ रिफ्लेक्ट हुई उस पे है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट रेज है या जनरल रेज हमने कह दिया है, ठीक है, लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ, किसी वेव की वेवलेंथ कुछ है, किसी की वेवलेंथ कुछ है। आई होप सो सभी को मालूम है वेवलेंथ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ, या ज्यादा बेटर ये कहते हैं हम कि आप वेवलेंथ यहां से माना करिए, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लीजिए। लेट सपोज आपने यहां से स्टार्ट किया, ये यहां से यहां गया और फिर लौट के यहां से यहां आया, तो ये वाली डिस्टेंस एक वेवलेंथ कहलाएगी और ये एक वेव कहलाएगी। एंड आई होप सो ये आपको पता है। ठीक है, नाउ डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, अगर ये वॉयलेट कलर है तो इसकी वेवलेंथ जो आएगी दैट इज 380 to 450 नैनोमीटर है। तो वॉयलेट कलर जब भी आपको दिख रहा होगा तो इतनी वेवलेंथ होगी। अगर ब्लू कलर दिख रहा होगा तो वो वेवलेंथ 450 और 495 के बीच में होगी। ग्रीन कलर है तो फिर और ज्यादा हो गई, 495 से 570 एंड सो ऑन। तो हर एक कलर की अलग अलग वेवलेंथ है। ठीक है, तो कोलाइडल पार्टिकल, द कलर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, वही वाला पॉइंट दोबारा आ गया। ठीक है, साइज शेप इन सब पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो गोल्ड अगर फाइनेस्ट है ना, बहुत महीन पिसा हुआ गोल्ड है तो रेड कलर का होगा। ये बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है, खुद करके देखिए ना। घर में कोई भी गोल्ड का आर्टिकल ले लीजिएगा और उसे पीसना शुरू करिए, बहुत महीन पीसिएगा, रेड कलर का दिखेगा वो। अगर रेड दिखे ना दिखे, गारंटेड 10 मिनट बाद अपना चेहरा देख लेना शीशे में, जब पिताजी उसको निपटा लें सही से, 101% रेडिश दिखेगा। इज इट क्लियर? तो गोल्ड जो है पिस पिस के लाल हो जाता है, और जब साइज बढ़ाते जाते हैं तो ये कलर चेंज करके ब्लू की तरफ, पर्पल की तरफ और फाइनली येलो की तरफ आ जाता है, या जिसे गोल्डन कलर कहते हैं। तो गोल्ड जो है, जो आपको येलो कलर का दिखता है, वो यूजुअली पार्टिकल साइज की वजह से है, शेप की वजह से है। ठीक है, तो अगर स्फेरिकल पार्टिकल है, हर तरफ लाइट रिप्रेजेंट करेगा और रेड लाइट ज्यादा करता है। डिस्क लाइक पार्टिकल ब्लू कलर लाइट को स्कैटर ज्यादा करते हैं, मतलब शेप पे बता रहे हैं कि किस शेप के लिए क्या कलर आएगा। ठीक है, तो शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय लार्जर पार्टिकल, जितना साइज बड़ा होगा उतनी वेवलेंथ छोटी इमिट या स्कैटर हो रही होगी, और जितना छोटा साइज होगा उतनी बड़ी। ठीक है, और आपको पता भी है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि एंगल पे भी, कि किस एंगल से लाइट आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और कहां से आप देख रहे हैं, इस पे भी कलर डिपेंड करता है। इसका आपका एक बेस्ट एग्जांपल आपको याद होगा, शायद आजकल के नोट में भी वो नोट यूं करें और कलर चेंज जो आपको दिखता है, तो बेसिकली वो भी इसी के एग्जाम्पल में है। और मिल्क एंड वाटर अपीयर्स टू ब्लू व्हेन व्यूड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रेड व्हेन व्यूड बाय ट्रांसमिटेड लाइट। मिल्क और वाटर का मिक्सचर ये कह रहे हैं। ठीक है, ये इन दो कलर्स का हो सकता है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन, अब ये तो एकदम अलग पॉइंट है, ये होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस डिपेंड्स ऑन, ये साइज पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, कोलॉइड के या सॉल्वेंट के। आई होप सो अभी हमने क्योंकि पढ़ा है तो साइज और शेप दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ कोलॉइड पार्टिकल के, सॉल्वेंट से कोई मतलब नहीं है। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, जितने बच्चों ने आंसर दिया सही है। ठीक है, अब ये है अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। भैया व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट? ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? बेसिकली ये जो एक कोलाइडल पार्टिकल है, ये हम कह रहे हैं कि यहां पे इस पे डिस्पर्शन मीडियम कुछ ज्यादा फोर्स लगा रहा है या अलग फोर्स लगा रहा है, यहां पे कुछ अलग लगा रहा है। तो डिस्पर्शन मीडियम इस डिस्पर्स स्पेस पे अनइक्वल बम्बार्डमेंट कर रहा है, इज इट क्लियर? कहीं से कम कहीं से ज्यादा। तो एक सिंपल भाषा में कहें, बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग, ठीक, और उसमें कुछ लोग फंस गए, ठीक है, एलियन टाइप के। अब ये मॉब लिंचिंग जैसे कहते हैं ना, वैसे का
कोई इधर से टीक मार रहा है, कोई उधर से टीक मार रहा है, जब इधर वाले ने टीक मारी वो उधर गिरा, उधर वाले ने मारी स्कैटरिंग हो गई, और स्कैटरिंग नहीं सॉरी इसके जिगजैग मोशन होता है, और ये जिगजैग मोशन इस पिटाई वेव का, ठीक है। तो पॉइंट आपको क्या समझना, अगर आप समझ पाए हो यहाँ पे, ये समझना है कोलोइडल पार्टिकल जिसे हम डिस्पर्स फेज कहते हैं, उसके ऊपर डिस्पर्शन मीडियम का अनइक्वल बम्बार्डमेंट होता है, और उस अनइक्वल बम्बार्डमेंट की वजह से वो इधर उधर टैप करता है, सेटल नहीं होता। नहीं, अगर बम्बार्डमेंट नहीं होता अनइक्वल, हर तरफ से इक्वल होता, सेटल हो जाता, और सेटल होते ही दूसरा पार्टिकल आगे चिपक जाता, ये प्रेसिपिटेट हो जाते। तो कोलोइड की स्टेबिलिटी के लिए ब्राउनियन मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोलोइड पार्टिकल एक जगह रुकते ही नहीं है, लगातार चलते रहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट। जैसे सिंपल कई लोग कहते हैं ना, ये अर्थ के चारों ओर गैसेस हैं, अर्थ में ग्रेविटी भी है, तो ये गैसेस नीचे सेटल क्यों नहीं हो जाती? भाई गैस के पार्टिकल हैं, अर्थ की ग्रेविटी है, इकट्ठा खींच के नीचे बैठा दे गैस और सारी की सारी गैसेस नीचे कोनों को मिल जाए, ऊपर से बैठ जाए। तो प्रैक्टिकल सा पॉइंट क्या है, गैस की आपने पढ़ी रखे सारे लॉस, उसमें भी यही है कि इसमें कंटिन्यूस मोशन होता है, बिल्कुल वही चीज यहाँ लगती है। ये ब्राउनियन मोमेंट खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने, और उन्होंने पॉलन ग्रेन्स पे काम कर रहे थे तब पे, प्लांट में जो पॉलन ग्रेन्स है वहां डिस्कवरी। दोनों चीजें ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट, दोनों चीजें लायोफिलिक में कम होती है, लायोफोबिक में ज्यादा। लायोफिलिक में टिंडल इफेक्ट क्यों कम हुआ, क्योंकि टिंडल इफेक्ट के लिए रेयरर मीडियम चाहिए, वहां डेंसर मीडियम होता है लायोफिलिक में, और इसलिए स्कैटरिंग मतलब एब्जॉर्प्शन ही कम होता है, फिर स्कैटर भी कम, इसलिए फोबिक में टिंडल इफेक्ट ज्यादा था। यहाँ तो साफ पता चल रहा है कि ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब जिगजैग मोशन होता है, तो जिगजैग मोशन कौन जल्दी करेगा, हल्का पार्टिकल या भारी? तो लायोफिलिक का पार्टिकल जो है बहुत हैवी हाइड्रेटेड होता है, और इसलिए उसका मूवमेंट इतने आसानी से नहीं होता, और लायोफोबिक का पार्टिकल एकदम लाइट है, उसके चारों ओर सॉल्वेंट नहीं है, इसलिए उसके टीपे पड़ रही है। तो दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज Brownian moment, ठीक है? So what is Brownian moment? Robert Brown ने क्या देखा था? When colloidal particles या colloidal solution are viewed under a powerful microscope, the colloidal particle appear to be in a state of continuous zigzag motion all over the field, ठीक है? This motion was first observed by British botanist, ठीक है? Yeah, Robert Brown, known as Brownian moment. तो ये बॉटनी के हैं, पॉलन ग्रेन्स पे काम कर रहे थे तब इनने पढ़ लिया था। द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोलोइड, ठीक है, नेचर ऑफ कोलोइड पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन साइज एंड विस्कोसिटी, कभी बताया है, इसीलिए लायोफोबिक में ये चीज थोड़ी कम देखी गई, लायोफिलिक में ज्यादा है। विस्कोसिटी का मतलब बताया है रेजिस्टेंस टू द फ्री फ्लो, और द मूवमेंट इज नोन एज विस्कोसिटी। सो इट कैन बी कंडक्टेड concluded that smaller size of particle and lower viscosity of the medium make Brownian movement faster. अब ये है क्यों? तो अभी मैंने आपको बताया था, it is due to unequal या unbalanced bombardment between the colloidal particle and molecules of dispersion medium. तो ये जो medium है, ये इसके थपियाया पड़ा है, इनके यहाँ पे ये टीपे जो मार रहा है, ये भी मार रहे हैं कहने के लिए, तो अनइक्वल है, ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, ठीक है। Do you know why colloidal particles do not settle under gravity? तो ये भैया मैंने आपको पहले ही बताया अभी कि Brownian movement has a stirring effect which does not permit the particle to settle and it is responsible for the stability of soil. तो यही हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि colloidal particle stable क्यों है, चार्ज के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा अगर आपको दो हेडिंग समझ में आ गई हो, एक है टिंडल इफेक्ट और दूसरा है ब्राउनियन मूवमेंट, तो आज थोड़ा अलग कर लीजिए, टाइप फाइव आज टाइप करना, देखो कितने देख भी रहे नहीं कर रहे। ओके 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 समझना, देखो ठीक है, ओके वेरी नाइस अनमोल, ओके ठीक है बेटा। तो अब हमारी दो प्रॉपर्टीज ये हो गई, अब ऑलमोस्ट चैप्टर एंड पे है। यूजेस ऑफ कोलाइड
आप खुद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है, मैंने 10 मिनट करीब 5-7 बता दिए। अब हम इमल्शन को थोड़ा सा देखेंगे। इमल्शन किसे कहते हैं बेटा, व्हाट इज इमल्शन? तो इमल्शन हमारे कोर्स में थोड़ा सा है, उसे देख लेते हैं। इमल्शन क्या है बच्चों? लिक्विड एंड लिक्विड का कोलाइडर सॉल्यूशन कहला रहा है, लिक्विड एंड लिक्विड। जैसे इमल्शन दो तरह के हैं, एक है ऑयल इन वाटर और एक है वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर, बच्चों नाम से क्लियर हो गया आपको, ऑयल इन वाटर मतलब वाटर इज डिस्पर्शन मीडियम एंड ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेज। ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। और ऑयल इन वाटर का एग्जांपल, आई होप सो आपको क्लियर हो गया, मिल्क है। तो मिल्क में पानी ज्यादा है और ऑयल कम है, ये इसका एग्जांपल है। और वाटर इन ऑयल, दैट मींस इसका उल्टा हो गया, डिस्पर्स फेज इज वाटर, डिस्पर्शन मीडियम इज ऑयल। और इसका एग्जांपल क्वाड लीवर ऑयल, फिश ब्लबर ऑयल, ठीक है। तो फिश ऑयल या ये ऑयल इसके एग्जांपल में आते हैं, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस, अगर हमारे पास इमल्शन है, दो लिक्विड को मिक्स किया है, चाहे ऑयल को वाटर में, वाटर को ऑयल, हम कैसे पहचाने इमल्शन ये वाला है या ये वाला? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इमल्शन? तो इमल्शन कौन सा है, इसे पहचानने के लिए दो तीन टेस्ट है। जैसे एक बच्चों कहलाता है डाई टेस्ट, ठीक है। व्हाट इज डाई टेस्ट? बेटा जो ऑफलाइन क्लास है आपकी आज, ठीक है बच्चों, डाई टेस्ट क्या होता है? देखिए इन दोनों इमल्शन को पहचानने के लिए अगर हमने कहा है पहला डाई टेस्ट, आई होप तो सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए, बचपन से आप कलरिंग करते आए हैं, एक ऑयल कलर होते थे, ऑयल पेंट में एक वाटर कलर। तो अगर आपने कोई डाई या कलरिंग सब्सटेंस लिया है वो ऑयल सॉल्युबल है, तो इट इज अ कॉमन सेंस, यहाँ पे इमल्शन में नेग्लिजिबल कलर आएगा, बहुत कम आएगा, बहुत लाइट कलर आएगा, जबकि यहाँ बहुत डार्क या फास्ट कलर आएगा, क्योंकि हमने ऑयल सॉल्युबल डाई ली है। तो जब ऑयल ज्यादा होगा तभी घुलेगी, ऑयल का मीडियम होगा तभी घुलेगी। इसका अपोजिट भी कह सकते हैं, आपने वाटर सॉल्युबल डाई ले ली तो वो वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर जब ज्यादा होगा उसमें घुल जाएगी, उसमें कलर आएगा। तो यहाँ वाटर डिस्पर्शन मीडियम, इसमें तो कलर आएगा, यहाँ वाटर स्कैटर्ड है कहीं कहीं, थोड़ा थोड़ा कलर तो आएगा लेकिन इतना डार्क नहीं आएगा। तो डाई टेस्ट में क्या है, अगर मैंने यहाँ कह दिया ऑयल सॉल्युबल डाई, ठीक है, यहाँ पे ऑयल बहुत कम है, वाटर ज्यादा है, तो ऑयल सॉल्युबल डाई, तो यहाँ लाइट कलर कह सकते हैं, नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं, कुछ कलर आएगा, और यहां आप कह सकते हैं फास्ट या डार्क, ठीक है। तो एक टेस्ट आपका डाई टेस्ट आया है, और इसे आप ऑयल सॉल्युबल से भी कर सकते हैं, वाटर सॉल्युबल से भी कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट आपका कहलाया जा सकता है इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। बच्चों क्लियर है क्या है? हमने कोई इमल्शन लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला और उसकी कंडक्टिविटी मेजर की पहले और बाद में। अगर पहले और बाद में, मतलब इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद कंडक्टिविटी रैंडमली बढ़ रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, अगेन इट इज एग्जांपल ऑफ ऑयल एंड वाटर, मतलब अगर कंडक्टिविटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रोलाइट को पानी में ही आयनाइज होंगे, पानी में ही आयन बनेंगे और कंडक्शन देंगे। यहाँ पानी नेग्लिजिबल है क्योंकि वाटर इज जस्ट एज ए मीडियम, एज ए डिस्पर्स फेस, कहीं कहीं स्कैटर्ड है, थोड़ी सी कंडक्टिविटी चेंज होगी, यहाँ ज्यादा होगी। तो यहाँ आप कहेंगे इसमें दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तो मैं इसे लैम्डा एम कह रहा हूँ, मोलर कंडक्टिविटी रैपिडली इंक्रीज, यहाँ मोलर कंडक्शन स्लाइटली इंक्रीज, तो यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या थोड़ी सी बढ़ेगी। तो यहाँ इमल्शन को पहचान सकते हैं, ऑयल एंड वाटर इमल्शन कौन सा है, वाटर एंड ऑयल इमल्शन कौन सा है, चाहे डाई टेस्ट से चाहे कंडक्शन टेस्ट से। एक और टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डी इमल्सिफिकेशन टेस्ट। व्हाट इज डी इमल्सिफिकेशन? इमल्शन लिक्विड एंड लिक्विड का मिक्सचर है और आप चाहते हैं इमल्शन ब्रेक हो जाए,
तो सेपरेशन ऑफ इमल्शन इनटू इट्स ओरिजिनल टू लेयर्स दैट इज बोथ द लिक्विड शुड बी सेपरेटेड दैट इमल्शन इज कॉल्ड दैट फॉर्म ऑफ इमल्शन इज कॉल्ड दैट फॉर्म इज कॉल्ड डीमल्सिफिकेशन. तो सेपरेशन कर रहे हैं डीमल्सिफिकेशन करना चाहते हैं. तो बच्चों इमल्शन की क्वालिटी ये भी है इट कैन बी डाइल्यूटेड टू एनी एक्सटेंट बाय एडिंग सॉल्वेंट. मतलब अगर आपका ऑयल इन वाटर का इमल्शन है ऑयल इन वाटर का इमल्शन तो वाटर कितना भी डाल लो कोई दिक्कत नहीं इमल्शन नहीं टूटेगा. यानी अगर इमल्शन में ऑयल है एज ए सॉल्यूट डिस्पर्स फेस और आप सॉल्वेंट डालते जाइए इमल्शन ब्रेक होने वाला नहीं है. इमल्शन कैन बी डाइल्यूटेड टू एनी एक्सटेंट बाय एडिंग सॉल्वेंट और डिस्पर्शन मीडियम बट ऑन एडिंग डिस्पर्स फेस अगर डिस्पर्स फेस ऐड करोगे तो वो सारे के सारे डिस्पर्स फेस इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होने के बाद ये बगावत शुरू कर देंगे मतलब डीमल्सिफिकेशन करेंगे. दैट मींस एक और टेस्ट हो सकता है डीमल्सिफिकेशन टेस्ट. आपने इमल्शन लिया उसमें सपोज आप ऑयल डालना शुरू किया ऑयल डालते गए और डीमल्सिफिकेशन होने लगा दैट मींस ऑयल पहले डिस्पर्स फेस में था तो ऑयल इन वाटर था. आप ऑयल डालते जा रहे हो और डीमल्सिफिकेशन नहीं हो रहा इसका मतलब ऑयल ज्यादा है वहां और इसका मतलब वाटर इन ऑयल था इमल्शन है या दैट इज इन डिस्पर्शन मीडियम. बोलो बच्चों क्लियर है इमल्शन ठीक है एनी डाउट. तो ये हो गया हमारा इमल्शन के बारे में ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये हो गई ना स्लाइड नंबर ये यार एप्लीकेशन है वन ठीक है बेटा. ये आपका पूछ चुका है ठीक है एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड आपको मैंने एप्लीकेशन बताए उसी में ये आ जाएगा. इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक याद आ गया. लॉन्ग चिमनीज का यूज क्यों करते हैं ये लॉन्ग चिमनीज का यूज करेंगे तो इससे क्या होगा यहाँ से जो स्मोक आएगी वो इस चिमनी में कहीं ना कहीं जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगी और बाहर जो चिमनी से चीजें आएंगी दैट इज फ्री फ्रॉम कार्बन ये आएगा. प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कह लो या प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का तुम चाहे से ड्रिंक करो कुछ करो ठीक है. तो वाटर का प्योरिफिकेशन किया जा सकता है और कोई भी वाटर ले लें अगर उसमें कोलाइडल पार्टिकल है तो उसको एलएम के थ्रू पास करके कर सकते हैं. कोलाइड के एप्लीकेशन मेडिसिन में भी है और आपको याद होगा कि जितने भी आप जनरली सिरप लेते हैं स्पेशली एंटा एसिड्स डाइजिन जेलोसिल शेक करके लीजिए शेक वेल बिफोर यूज क्योंकि वो कोलाइड था या इमल्शन था तो डीमल्सिफिकेशन हो गया और लायोफिलिक होने के लिए शेक करते ही वो दोबारा कोलाइड बन जाता है और कोलोइड्स में वो ज्यादा एक्टिव होते हैं या इफेक्टिव होते हैं क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है और इसीलिए उनका बॉडी में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन दैट इज मिक्सिंग इजीली हो जाएगा. अब आपको मैंने ये लायोफोबिक का एग्जांपल पहले बता रखा है अर्गायरॉल ये सिल्वर का सोल्यूशन है और ये आई ड्रॉप्स में यूज होता है. बेसिकली ये आई की डस्ट या बाकी जितने भी उनको प्रेसिपिटेट कर देता है. ऐसे कोलाइडल एंटीमनी का यूज क्योरिंग इन क्योरिंग दैट इज काला अजहर डिजीज जो है उसमें हो जाता है. ये दिस इज ऐसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये तो हमारे चैप्टर फोर में भी आगे दैट इज MgOH होल्ड ट्वाइस ये एंटा एसिड है एसिडिटी या स्टमक डिसऑर्डर के लिए यूज किया जाता है. टैनिंग आपको एक अच्छी तरीके से मालूम होगा लेदर के लिए जैसे किया जाता है टैनिंग ठीक है. तो और ये हमारी बॉडी में भी कहते हैं ना हार्डनिंग ऑफ स्किन होना जैसे आप कभी गोवा हुआ घूमने गए हो चार पांच दिन धूप में बीचेस में गए हो तो आपको स्किन आपकी ब्लैक एंड थिक लगने लगती है एंड दिस इज बेसिकली टैनिंग ऑफ स्किन. ऐसे आप प्रैक्टिकली सोचो जो हमारे पास लेदर आती है पर्स है बैग्स है वो जो लेदर के आर्टिकल है वो बड़े हार्ड होते हैं. प्रैक्टिकली किसी की स्किन इतनी हार्ड नहीं होती किसी भी एनिमल की तो वो जो हार्डनेस का ओवरऑल प्रोसेस है दैट इज टैनिंग ऑफ लेदर जिसे हम कह सकते हैं. Many a hide which has positively charged particle is soaked in tannin
which contain negatively charged colloidal particle, that is mutual coagulation takes place resulting in hardening of leather. तो ये जो हार्डनिंग ऑफ लेदर है उसी के लिए वर्ड यूज किए हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट मिसील फॉर्मेशन की वजह से। ये जो फोटोग्राफिक प्लेट होते हैं इसमें AgNO3 लगा होता है और AgBr सॉरी, और ये लाइट से हटता जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के इस पे लाइट डालते हैं और वो इमेज क्रिएट कर लेता है AgBr हटने की वजह से। लेकिन ये अब हमारे कोर्स में नहीं है, That is, पहले डी ब्लॉक में फोटोग्राफी कोर्स में थी, अब उन्होंने फोटोग्राफी को हमारे कोर्स से हटा दिया तो कोई जरूरत नहीं। भैया ऐसे ही रबर इंडस्ट्री में भी कोलोइड्स का यूज है और बाकी पेंट्स वॉर्निशेस इंक्स ये सब कोलोइड्स में है, लुब्रिकेंट्स ये सब कोलोइड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए। हाँ जी भैया, चलो बच्चों आज इतने ही रख रहे हैं, ठीक है। और बच्चों हो सकता है कल का जो क्लास होगा आपका या तो इवनिंग में लेट होगा या फिर इवनिंग 8 बजे होगा, ठीक है सर। कल का क्लास इवनिंग 8 बजे होगा, ठीक है सर।